हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए जो हम बात करते हैं, मतलब हमें ये फाइंड करना है जो कि जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है, चार्ज इसके सर्फेस पर फैल जाएगा, तो यहाँ हमें इसके अंदर पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है ना, और ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखिए जो अभी इससे पहले पोटेंशियल देखने से पहले हमने चैप्टर वन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसको हम रिमाइंड करें, रिकॉल करें। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर वन में जो एक्सप्लेनेशन देखी थी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो, चाहे वो किसी भी शेप का कंडक्टर हो, जो होलो कंडक्टर हो है ना, किसी भी शेप में, हमने एक स्फीयर बनाया है या एक सॉलिड कंडक्टर हो है ना, सॉलिड कंडक्टर, तो इस कंडक्टर को जो हम जो भी चार्ज देंगे, चाहे वो होलो कंडक्टर हो, तो हम इसको होलो को तो चलो हम सरफेस पे ही चार्ज दे सकते हैं, अंदर कैविटी नहीं है, तो जो भी चार्ज हम देंगे, मान लो हमने पॉइंट ए पर चार्ज दिया, तो चार्ज कहाँ पर फैल जाएगा, उसके पूरे सरफेस पर है ना, सरफेस पर, किसी भी पॉइंट पर आपने चार्ज दिया हो कंडक्टर के अंदर, वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा है ना। और अगर सॉलिड कंडक्टर की बात करें, तो सॉलिड कंडक्टर को जो हम चार्ज किसी भी पॉइंट पर दे सकते हैं, उसके अंदर दे सकते हैं या सरफेस पर दे सकते हैं, तो अगर हमने अंदर भी किसी पॉइंट पर चार्ज दे दिया, मतलब हमने कोई एक अरेंजमेंट की ऐसे और अंदर जाकर चार्ज उसको दे दिया है ना, तो ये जो चार्ज है ये उसकी अंदर कैविटी में नहीं रहेगा, ये चार्ज कहाँ पर ही आ जाएगा, उसके सरफेस पर ही आ जाएगा है ना। अब ये कैसे आ जाएगा सरफेस पे, क्या होगा इसके अंदर, इसकी फिजिकल प्रोसेस क्या रहेगी ऊपर आने की, सरफेस पर आने की, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो सभी एक्सप्लेनेशन हमने चैप्टर वन में समझी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो है ना, कि किस तरह से कंडक्टर में सरफेस, उसके कंडक्टर के जो चार्ज है वो उसके सरफेस पर ही होता है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो उसमें गॉसेस एप्लीकेशंस में जहां हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर, तो वहां पे जो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप गॉसेस एप्लीकेशन के पार्ट सेकेंड को है ना देखिएगा, उसमें ये आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ओके चलिए, तो ये बात हमारी फर्स्ट चैप्टर से हमको क्लियर है कि जो भी चार्ज सरफेस पर दिया जाएगा वो कंडक्टर को दिया जाएगा, वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब अंदर चार्ज जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स भी जीरो होगा अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो यहाँ पर जीरो होगा है ना। तो हमने फर्स्ट चैप्टर से क्या कंडीशन पढ़ के रखी है, जो क्या है ना हमको कंडीशन मालूम है, ठीक है, इनसाइड है कंडक्टर, ठीक है, ये होलो कंडक्टर की बात है, लेकिन सभी कंडक्टर जो इनसाइड है होलो कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमेंस जीरो है ना, ये बात हमको मालूम है फर्स्ट चैप्टर से, हमने इसको प्रूव भी किया है गॉसेस लॉ की थ्योरम से है ना, ठीक है, गॉसेस लॉ में। अब देखिए भैया, ये हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा है ना, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्कशन करना चाह रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो क्यों बोला, जो देखना चाहिए, जनरली हमें कंफ्यूजन ये होता है कोई बच्चे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4π0Q/r2, तो हम यहाँ ऐसे कोई आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का रीजन भी मैं बता चुका हूँ जो फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप इसी फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ये नजर आएगा, जहाँ आर उसकी रेडियस होगी, तो आप इस फॉर्मूले के बेस पर भी अगर चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो बोल दोगे है ना, मतलब हमको ये फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो आपको पोटेंशियल भी जीरो नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये सारी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का रीजन में पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, वो चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हम पूरी तरह ये नहीं बोल सकते। चलिए अब देखिए, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, अब देखो, तो पहले जो हम पॉइंट चार्ज की बात करें, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास है ना, ये क्यू, इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट a पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो
तो आप इससे पोटेंशियल कैसे निकालोगे? एक यूनिट चार्ज ले लोगे, है ना, हमने मेथड पढ़ी है इसके स्टार्टिंग में चैप्टर के, यूनिट चार्ज ले लोगे, उसको इंफिनिटी से कहां तक लाओगे, पॉइंट ए तक, और इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क आप उस जगह पर पोटेंशियल कह लोगे। ये मेथड है ना, सेम प्रोसीजर में जो मतलब पोटेंशियल निकालने की मेथड यही होती है, चाहे आप यहाँ पॉइंट चार्ज लो या होलो कंडक्टर लो या किसी भी शेप का कंडक्टर लो, जो आपको पोटेंशियल निकालना है यही मेथड आप अप्लाई करोगे, है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल की है ताकि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वो एक बार फिर से याद आ जाए, ठीक है। अब देखिए जो हमें यहाँ पर एक स्फीयर के अंदर बात करना है कि एक स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने जो चार्ज दिया है वो स्फीयर पर बाहर की ओर उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये हमारे पास इस पर टोटल चार्ज क्यू है, ओके। यहाँ नोट कीजिए तो कि हम इस कंडक्टर से पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, इस कंडक्टर से पॉइंट ए पर क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ नोट कीजिए कि अगर हम पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालने की मेथड क्या होगी, सेम मेथड जो ऊपर है, हम एक यूनिट चार्ज देंगे, एक टेस्ट चार्ज देंगे, उसको इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ जाएंगे, पॉइंट ए तक, और इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल कह देंगे, है ना। यही तरीका हमको मालूम है, यूनिट चार्ज को लाओ या ठीक है वन को, है ना, स्मॉल मैग्नेट्यूड वाले चार्ज को लाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान देते हैं ना, इन्फिनिटी से चले तो यहाँ पर हम चार्ज को ला रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बाहर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो फिर उसके अगेंस्ट वर्क होगा, वर्क होगा तो पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा। अब हम कहाँ पहुंच गए, अब मान लो हमें कहाँ निकालना है, पोटेंशियल सरफेस पर निकालना, ठीक है, हमें पॉइंट ए पर नहीं निकालना था, हमें कहाँ निकालना था, पोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, उसी टेस्ट चार्ज को सरफेस तक ले आएंगे, उसी चार्ज को सरफेस तक ले आएंगे, तो सरफेस तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस तक लाने में, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल भी होगा सरफेस पे, ठीक है। अब मान लो जो ये वर्क हमारा 20 जूल है, समझने के लिए इसको एक हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, मैंने क्या कहा कि हमने यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाए, वहां तक लाने में वर्क कितना की करना पड़ा हमको, 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो हमने कह दिया पोटेंशियल सरफेस पर भी 20 जूल होगा, ओके। अब हम सरफेस से अंदर आ रहे हैं, ध्यान देना, अब हम सरफेस से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए पर मान लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट का नाम ले लो। अब हमने कहा कि पॉइंट ए तक अंदर आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम होगा या कांस्टेंट रहेगा, है ना, तीन कंडीशन पॉसिबल। तो आप सोचो जो अगर वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, वर्क कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब वर्क पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल। तो अगर हम अंदर आ रहे हैं, यहां तक तो हमको 20 जूल वर्क करना पड़ा, अब अंदर आने पर क्या वर्क और ज्यादा करना पड़ेगा, सोचो बेटो क्या हमको और वर्क बढ़ाना पड़ेगा 20 जूल से, तो फिर हमको ये पता बात मालूम है बेटो, ये पता है कि हमें वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, तो अंदर फोर्स भी जीरो होगा, और फोर्स जीरो है तो अंदर वर्क जीरो, मतलब हमें वर्क सिर्फ सरफेस तक आने में करना पड़ रहा है, सरफेस से आप अंदर आओ तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क कहां तक करना पड़ रहा है, ऑन कंडक्टर के सरफेस तक लाने में, तो पोटेंशियल इन कहां तक बढ़ता हुआ आएगा, सरफेस तक बढ़ते हुए आएगा, फिर उसके बाद अगर हम अंदर आते हैं तो वर्क जीरो होगा, अंदर का वर्क जीरो, मतलब हमें अंदर और वर्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वही 20 जूल वाले वर्क से हमारा काम हो जाएगा, तो अंदर तक भी आ गए तो वर्क 20 जूल ही रहेगा, है ना, पॉइंट सरफेस तक आए तो वर्क बढ़ाना पड़ा और सरफेस तक आए, जो जैसे पहले हम यहाँ पॉइंट मान लो बी पर आए थे तो हमको यहाँ 10 जूल वर्क करना पड़ा, है ना, फिर हम और सरफेस तक आ गए तो फिर वर्क और बढ़ाना पड़ा, अब हम सरफेस के अंदर आ गए तो हमको वर्क बढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं,
तो वर्क नहीं बढ़ा तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ा। तो क्या बात समझ में आ गई थी हमको यहाँ पर कि जितना पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल कहाँ तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि जितना वर्क सरफेस तक करना पड़ रहा है उतना ही वर्क अंदर तक आने में भी करना पड़ रहा है, मतलब अंदर हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा। तो क्लियर होगी बच्चे इससे क्या बात क्लियर होगी हमको कि यहाँ पर हमें कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को सॉरी कंडक्टर के सरफेस तक लाने में ही चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल सरफेस तक ही बढ़ता जाएगा, उसके अंदर वर्क पड़ना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस तक आ गया है वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। क्लियर? इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे अभी यहाँ पर छोटे से स्टेप से। मतलब अब देखो क्या हमने कहा कि हम कंडक्टर के अंदर है ना पॉइंट ए पर आए, हम कंडक्टर के अंदर पॉइंट ए पर आए तो ए पर भी पोटेंशियल 20 जूल ही रहेगा। अगर हम यहां से बी पर आ गए तो बी पर भी पोटेंशियल 20 जूल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें अंदर किसी तरह का वर्क नहीं करना पड़ रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पूरे कंडक्टर के अंदर। तो आप किधर भी चले जाओ, आप ए पर जाओ, बी पर जाओ, सी पर जाओ, क्यों, हर जगह आपको पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, वर्क उतना ही मिलेगा, वर्क उतना ही रहेगा। तो इस बात से, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया हमको यहाँ कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और कितना होगा तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर भी होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला इस पूरी एक्सप्लेनेशन से, इनसाइड ए होलो कंडक्टर पोटेंशियल रिमेंस कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है तो हम कहेंगे जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ लिखी है, इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर पोटेंशियल रिमेंस कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, ये और यही बात जो हम इसको थोड़ा सा मैथ से भी प्रूफ कर सकते हैं, हमने अभी कॉन्सेप्ट से समझा उसको, ठीक है ना, एक छोटे से प्रूफ से दिखा सकते हैं हम। जैसे मान लो जो हमें ये बताना है कि इसके अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल किस तरह से बता दें, चलिए है ना, मान लो भी हमारा कंडक्टर है इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, चलिए इसके अंदर भी तो यहाँ हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ठीक है, और इन दो ए और बी के बीच में भी हमने पोटेंशियल वी ए और वी बी बता दिए, ठीक है, और इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हम शो करके चल रहे हैं, अभी पोटेंशियल डिफरेंस अभी वी बता के चल रहे हैं, तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम एक्सप्लेन करने के लिए लेकर चल रहे हैं। ओके, अब देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, छोटी सी एक्सप्लेन प्रूफ आ जाएगा इसका, ठीक है, सिंस हमें मालूम है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है ना विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ये हमने प्रूफ किया है जो इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल With respect to the distance, आर यहाँ पर distance है, okay? है ना? अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें electric field पता है, since inside the conductor electric field is zero, तो dv by dr इसकी value क्या होगी? Zero होगी। अब थोड़ा सा mathematically सोचिए बच्चों, dv by dr ये क्या बताता है? है ना? हम differentiation का यूज पता है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग पता है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज है ना, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ये क्या है, डीवी बाय डीआर क्या है, डीवी बाय डीआर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो है, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज जीरो कब आएगी, जब कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी मींस कि उसकी वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, है ना, ये हमने पढ़ा है, या आपने डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, इसका मतलब किसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो है तो वो क्वांटिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो है मींस वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम वही बात लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज
पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, ओके ऐसा, मतलब ये बात क्लियर होगी कि अंदर पोटेंशियल कितना होगा, अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हमने इसको प्रूफ कर दिया आप जो, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा जो वो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, तो हमने कहा वो पोटेंशियल जितना सरफेस पे होगा। तो आप ऐसे सोचो जो, अब हम दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम एक पॉइंट बी को चलिए, और ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, जैसे हमने है ना एक पॉइंट को कहाँ ले लिया, ठीक है, पॉइंट ए को सरफेस पर ले लिया और बी को यहाँ ले लिया, है ना, ये सेम, ठीक है, यहाँ पर ए, इसका पोटेंशियल वी ए बता दिया, इसका पोटेंशियल वी बी बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने आर बता दी, मतलब इसकी रेडियस आर बता दी, एक पॉइंट को सरफेस पर ले लिया, एक पॉइंट को सेंटर पर ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर बता दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है इस फॉर्मूले के बेस पे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर E into dr के बराबर भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड into डिस्टेंस, ओके, ये हमारा फॉर्मूला है इन पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के टर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी, ये हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E है into डिस्टेंस है r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिंस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ वी ए माइनस वी बी, ये पूरा टर्म जो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कितना है हमारे पास, जीरो है, तो पोटेंशियल भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब वी ए माइनस वी बी, और सॉरी इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये वी ए क्या है, वी ए है पोटेंशियल एट सरफेस, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, वी ए क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और वी बी क्या है, पोटेंशियल इनसाइड, कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, ओके। तो ये जो बात जो हमने लिखी है ना, उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी कर दिया हमने, छोटी छोटी सी प्रूफ है ना, जैसे हमने पहले तो कॉन्सेप्चुअल समझा उसको कि किसी पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होगा, और उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमने छोटे से मैथमेटिक्स से इसको प्रूफ कर दिया हमने। तो ये दोनों बात का प्रूफ हो गया, इनसाइड ए होलो कंडक्टर पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट एंड व्हिच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट, है ना, इनसाइड एट द सरफेस। चलिए फिर, तो ध्यान रखिएगा जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन वहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये था जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड है होलो स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए मुझे ना, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, मतलब यहाँ देखना जो हमको क्या देखना है कि हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और स्फेरिकल कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का हमें कंपैरिजन करना है तीन केसेस में, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, उनकी वैल्यू उनमें होने वाला चेंज हमें देखना है। तो हमने क्या मान लिया, लेट देयर बी एन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, कैपिटल r, एंड हैविंग चार्ज q, एंड वी हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन थ्री केसेस। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, ओके, तो हमने यह मान लिया, लेट ए पॉइंट p इज लाइज आउटसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस s, if the point P lies at distance x from the center of sphere, outside the sphere,
ठीक है, स्फीयर के बाहर हमने देखना है ना। तो यहाँ पर जो देन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें डेरिवेशन नहीं निकालना है, हम डेरिवेशन पहले चैप्टर में देख चुके हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कितना होगा एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम गॉसेस लॉ के बेसिस पर निकाल चुके हैं, हम वही गॉसियन सर्कल ड्रॉ करोगे फिर वो सब। तो हमें यहाँ सिर्फ फॉर्मूला देखना है कंपेरिजन के लिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स है ना, एक्स स्क्वायर यूनिपोटेंस की न्यूटन पर कूलम है ना ये। फिर नेक्स्ट रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हमने तो निकाला नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टू है स्फीयर, लेकिन मेथड वही रहेगी जो है ना, हमको इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, इसके लेक्चर्स हम अलग से बनाएंगे जो, लेकिन अभी हम यहाँ कंपेरिजन देख रहे हैं, देखना है इसे। मतलब ये हमारे पास कंडक्टर है, इससे एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंडक्टर पर चार्ज क्यू है ना, चार्ज क्यू ये इस तरह से। तो एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मेथड सेम वही रहेगी जो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख चुके हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा क्यू है ना, एक किसको लाते हैं हम, प्रोसेस वही रहेगी। मतलब मैं बता दे रहा हूँ जो निकालना कैसे है, लेकिन है ना हम यहाँ उसका डेरिवेशन अभी नहीं देखेंगे, डेरिवेशन हम उसके किसी अलग से वीडियो में हम उसको देखेंगे है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एस चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाओगे, फिर लाने में वर्क निकालोगे। तो फोर्स लगेगा पहले वहां पर टेस्ट चार्ज पर क्यू इंटू ई से है ना। फिर नेक्स्ट दिन सॉरी है ना, ठीक है चलो इतना। फिर क्या करेंगे हम, मेथड हमें पता है, पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे। तो मान लो हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट में हमारा वर्क आ जाएगा ठीक है dw इज इक्वल टू एफ dx फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर टोटल वर्क निकालना है इंफिनिटी से कहाँ तक लाने में, पॉइंट पी तक लाने में, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एफ डी एक्स का ठीक है, कितना रहेगा यहाँ पर लिमिट रहेगी इंफिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं हम एक्स डिस्टेंस, तो इंफिनिटी टू एक्स ओके। फिर यहाँ इंफिनिटी से एक्स एफ की वैल्यू पुट करोगे क्यू नॉट ई डी एक्स, फिर ई की वैल्यू पुट करोगे है ना, तो ई की वैल्यू पुट करने के बाद जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगी क्यू क्यू नॉट ठीक है, ये कैपिटल क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर रह जाएगा तो इंटीग्रेशन में इंफिनिटी टू एक्स वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स ये रह जाएगा है ना। ये ऐसे हम निकाल, मतलब मेथड मैंने आपको बता दी सेम वैसी मेथड है, स्मॉल वर्क निकालोगे फिर टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे ये इस तरह से, फिर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा जो। तो वो आंसर जो है वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमें अभी यहाँ डेरिवेशन नहीं देखना है, डेरिवेशन कर दिया हम अलग वीडियो बनेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स ओके ऑनली क्यू बाय एक्स ठीक है, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट है ना। ये आ गया हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, मतलब दोनों में जो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसमें ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑनली द डिस्टेंस जो ठीक है। चलिए तो फिर हम उनका कंपेरिजन एक ग्राफिकली समझेंगे लास्ट में। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट देखेंगे जो अगला पॉइंट रहेगा एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सरफेस पर जो अगर पॉइंट पी सरफेस पर आ गया तो क्या कंडीशन हो जाएगी, जैसे ये उसकी रेडियस है ना, और पॉइंट पी यहाँ पर आ गया ओके, तो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, देखिए ऐसा फिगर से समझ में आ जाता है कि पॉइंट पी और है ना, पी अगर सरफेस पर आ गया तो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस हमने एक्स बताई थी वो एक्स किसके बराबर आ गई, आर के इक्विवेलेंट है ना। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम इफ द पॉइंट पी इज लाइज एट द सरफेस ठीक है ऑफ कंडक्टर, देन एक्स इक्वल टू आर के ठीक है। तो हमें भी तो यहाँ पर जो हमने मेथड वही रहेगी, बस हमें जो टेस्ट चार्ज है उसे इंफिनिटी से कहां तक लाना पड़ेगा, सरफेस तक लाना पड़ेगा है ना, इंफिनिटी से सरफेस तक पॉइंट पी तक। तो सरफेस तक ला रहे हैं, मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस में ला रहे हैं हम,
यहाँ पर ये ऐसे, मतलब पहले हम ए पॉइंट पी पर बाहर ला रहे थे एक डिस्टेंस पर, अब हम इंफिनिटी से एस चार्ज को कहाँ तक लाएंगे, पी तक। पी मतलब कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। तो जो इंटीग्रेशन है सेम मेथड वही रहेगी, स्मॉल वन के निकालोगे फिर इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी बस, इंफिनिटी से यहाँ पर पी सरफेस तक आ रहा है तो यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में रूल लगाओगे है ना, तो आंसर निकल कर आ जाएगा, और वो आंसर जो हम इससे फाइंड कर लेंगे ना। तो हम यहाँ से रिजल्ट लिखेंगे उसका, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख रहे, देन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, है ना, मतलब जहाँ एक्स था वहाँ आर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये वोल्ट में। तो ये हमारे पास आगे जो दोनों का कंपेरिजन है ना, हम इसको ग्राफ से कंपेयर करके समझेंगे। फिर थर्ड केस देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, थर्ड केस इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर ऐसे मान लो यहाँ पर जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी अंदर कहीं पर है x डिस्टेंस पर, डिस्टेंस x से ही शो कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिख देना, तो यहाँ पर जैसे ये लिखी है, इफ द पॉइंट पी लाइज एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, आप यहाँ इनसाइड लिख देना ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। फील्ड जीरो होता है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर V इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो नहीं होगा, है ना, ये जीरो नहीं होगा, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये अभी हमने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया कि जितना सरफेस पर होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा, है ना। तो इनसाइड ए स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो जितना सरफेस पर है, तो सरफेस पर कितना है, 1 / 2 / ε q / r, तो ये होगा जो q / r वोल्ट, क्लियर यहां तक, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ही रहेगा जितना कि सरफेस पर होता है, अंदर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी भी मेथड वैसे ही रहेगी फाइंड करने की। चलिए, तो ये तो था जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके डेरिवेशन जो हम अलग से देखेंगे, वैसे आउट ऑफ आवर सिलेबस से बाहर है वो डेरिवेशन सुन के, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेनेशन के लिए इनके लिए अलग से लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें हम ये सब इनसाइड ए स्फीयर है ना एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ये सारे डेरिवेशन दिखाना देखेंगे। अभी हमको सिर्फ कंपेरिजन देखना है, तो ये आगे हमारे पास पोटेंशियल उसका है ना। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो थोड़ा सा कंपेयर हो जाए ग्राफ से, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ई डी ग्राफ, ठीक है, ई डी ग्राफ से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ की बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ जो हम, ठीक है, इधर डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और नेक्स्ट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू दिखा दी, एक वैल्यू ले ली उसकी 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, एक वैल्यू ले ली यहाँ पर, है ना, रैंडम, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर स्पेस के लिए, है ना, ये इधर रहेगा हमारा, ठीक है, जगह के लिए इसको ऊपर कर दिया, ठीक है ना। अब ये हमारा स्फीयर हमने दिखाया है, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, ये उसका सरफेस हो गया, और यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आर, रेडियस के बराबर, है ना। चलिए, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेडियस के इक्वल, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ कैसे चलेगा, जो हम सेंटर से शुरू करते हैं, कंडक्टर के सेंटर से, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर भी जीरो होगा, और अंदर तक जीरो ही रहेगा जब तक कि हम सरफेस पर नहीं पहुंच जाते, तो यहाँ जीरो,
फिर कब तक जीरो रहेगा, जब तक कि हम सरफेस में नहीं पहुंचते, तो ये ग्राफ ऐसा चलेगा, है ना, ये सब ये लाइन ग्राफ की रहेगी, ठीक है। फिर अब हम जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्रुप्टली इंक्रीज हो जाएगा, और कहाँ बढ़ जाएगा, सरफेस पे आते ही, सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ जो एब्रुप्टली इंक्रीज हो गया, कहाँ तक, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसके बाद कैसे जाएगा, क्यों, अब सरफेस से दूर हटवाए, तो सरफेस से दूर हटेंगे, बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये इस तरह से जाएगा, है ना, स्क्वायर के डिस्टेंस, इस तरह से हमारा ये किस तरह, है ना, इस तरह से डिक्रीज होता हुआ चलेगा, ठीक है, ये हुआ ग्राफ। फिर इसी तरफ जो दूसरा ग्राफ भी हम देख लेते हैं, है ना, ई सॉरी बी डी ग्राफ, है ना, पोटेंशियल ये इसमें ग्राफ, तो इसको हम बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, है ना, ये हमारा सेंटर, ये इसका सरफेस, और इधर पोटेंशियल को हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, एक पोटेंशियल की एक वैल्यू हमने और ले ली, जो पोटेंशियल की एक वैल्यू हमने यहाँ ले ली, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर, ठीक है ना, ये हमने पोटेंशियल की एक वैल्यू यहाँ शो कर दी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा पोटेंशियल ग्राफ, और ये जीरो, इधर क्या बता दी, डिस्टेंस, ठीक है ना, और नेक्स्ट देखो जो यहाँ तक सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आर के इक्वल है, तो ये भी आर होगी, है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस आर, ठीक है। अब देखिए ग्राफ देखना, हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं, तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 q/r, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, फिर हम सरफेस तक आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही बना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इतना बना रहेगा 1/4πε0 q/r। फिर उसके बाद, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, सरफेस के बाहर निकल रहे हैं, हम आउटसाइड द सरफेस, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, तो फिर डिक्रीज होने लगेगा ऐसा, ये e सॉरी v 1/x, इस तरह से ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल। मतलब दोनों में क्या चेंजेस दिख रहे हैं हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से सरफेस तक जीरो, और ये कांस्टेंट, है ना, कितना बना रहेगा जितना सरफेस, फिर सरफेस से बाहर निकलेंगे, कंडक्टर से बाहर निकलेंगे, तो दोनों ही डिक्रीज हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों की डिक्रीज होने की रेट डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऐसा रहेगा, है ना। चलिए इसको अब हमें ऐसा समझते हैं, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाए हमको, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर और इसके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज होगा, है ना, ज्यादा डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल स्लोली डिक्रीज होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना, हमने कहा कि हम एक कंडक्टर के सरफेस से मान लो किसी पॉइंट पर थे, हम यहाँ थे जो, है ना, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि हम एक कोई कंडक्टर है यहाँ, है ना, और इससे हम कोई एक्स वाई डिस्टेंस पर थे, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था 20 जूल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 20 जूल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसे यहाँ पर 10 जूल, ठीक है। अब मैंने कहा जो कि हम उस पॉइंट पी से, समझना, एक एग्जांपल के लिए हमने कहा कि एक पॉइंट पी है, वो सेंटर ऑफ स्फीयर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई जेड पर, उससे अभी हमको मतलब नहीं है ना, ठीक है। अब हमने कहा कि वहां पोटेंशियल 10 जूल, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या दोनों की वैल्यू सेम मान लो, दोनों को 20 20 मान लो, पोटेंशियल भी 20 जूल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 20 जूल, ताकि कंपेरिजन ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि पॉइंट P की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, डिस्टेंस कितनी बढ़ गई 2 सेंटीमीटर, मतलब हम और 2 सेंटीमीटर पीछे चले गए, है ना, सरफेस से दूर चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज, कितना रह गया, और पोटेंशियल कितना रह गया, डिस्टेंस हमारी कितनी बढ़ी, हमारी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मान लो, या सिर्फ 2 मान लो यूनिट, ठीक। तो यहाँ देख लो कि अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 20 20 जूल है, और
हमने कहा कि अब डिस्टेंस 2 से और बढ़ गई है ना, 2 सेंटीमीटर मान लो या मीटर मान लो, कोई भी निकले को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू में क्या चेंजेस आए होंगे, मतलब 2 यूनिट से डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई और हम पॉइंट क्यू पर पहुंच गए, तो पॉइंट क्यू पर पोटेंशियल कितना रह गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया होगा। तो हमें पता है हम तो यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितने टाइम्स है ना 1 बाय x स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितने टाइम, 4 टाइम डिक्रीज हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम डिक्रीज होगा, 20 जूल था, 20 जूल को 4 से डिवाइड करो जो आप यहां से, तो कितना रह गया होगा, 20 जूल से वो 5 जूल, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 5 जूल हो गया। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो यहां पर कितना हो गया होगा 1 बाय 2, इतना सिर्फ इतना टाइम डिक्रीज हुआ होगा, इतने टाइम। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहां पोटेंशियल 20 वोल्ट मानो और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, हमने जूल बोल दिया यहां पे न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम बचा होगा है ना, और यहां पर पोटेंशियल कितना बचा होगा, तो पोटेंशियल जो 20 डिवाइडेड बाय 2 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल रह गया होगा है ना। मतलब दोनों में इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम थे, लेकिन अगर हम 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर और दूर चले जाते हैं तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा है ना, सीधे 20 से कितने पर आ गया 5 पर, और पोटेंशियल जो 20 से 10 पर आया, मतलब पोटेंशियल में होने वाला चेंज स्लो चेंज होगा, स्लोली डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला चेंज रैपिड होगा है ना। तो ये था हमारे पास उन दोनों को थोड़ा सा समझने के लिए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो हमको यहाँ क्या बात समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का हमने कंपैरिजन किया और उसकी वैल्यू जो इस तरह से रही है ना। चलिए नोट कीजिए, चलिए बच्चों ना अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, मतलब जो अभी जो हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखा है वही कंपैरिजन अभी हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करना है ना। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में क्या प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंस है कि कंडक्टर पे हम जो भी चार्ज देते हैं वो चार्ज कहां पर होगा, उसके सरफेस पे है ना, चाहे वो सॉलिड हो या स्फीयर। और जो नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर में इंसुलेटर से बोल रहा हूं, तो इसमें जो चार्ज है ना दिया जाएगा वो उसके अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर ये हमारा सॉलिड है तो, है ना, इस तरह से ये डिफरेंस है। तो बस यहाँ भी हमें 3 केसेस में कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो 3 केसेस में तो यहाँ पर सेम हमने मान लिया, लेट देयर बी अ होलो, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सॉलिड, मतलब थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा तीसरे केस में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, लेट देयर बी अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज q, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर इन 3 केसेस। ओके, ये फर्स्ट है आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर पे यहाँ पर है ना सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब चाहे कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, सॉरी मतलब जो स्फीयर है हमारा वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हो है ना या होलो हो कंडक्टिंग में, दोनों केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना है, बस तीसरा केस हमारा डिफरेंट आएगा, इसलिए हमने ये 2 केसेस को लव नहीं किया है, एज इट इज जो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर और ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस पर सेम आएगा, पोटेंशियल भी सेम होगा, फिर सरफेस पर भी चाहे वो नॉन कंडक्टर हो या कंडक्टर हो दोनों में सेम आएगा। अब तीसरा केस जो है जो इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा, जैसे हमारा कंडक्टर था तो कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, नॉन कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तो जीरो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको फाइंड करना है ना। सेम केस हमने लिया है मित्रों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी जो है वो एक डिस्टेंस पर है अंदर की ओर है ना, तो इसमें अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम चैप्टर 1 में निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू होती है जो 1/4πε0 q/ ठीक है qx r q
न्यूटन पर कूलम है ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन निकाला है इसका गॉसियस लॉ के एप्लीकेशन में, इसलिए हम इसको यहाँ से ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस इसके और इसके डिस्टेंस के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके चलिए है ना। फिर नेक्स्ट जो पोटेंशियल जो है हमारा है ना, पोटेंशियल क्या जाएगा यहाँ पर नॉट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है ए पॉइंट पी। तो पोटेंशियल जो है वो कितना होगा उसका जो एक्सप्रेशन है 1/4πε0q/2r3r² - x² है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी डिराइव नहीं किया है और एक्चुअल में इसका डेरिवेशन सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन हम इसको जो अलग से एक लेक्चर में देखेंगे है ना। अभी हम यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इनसाइड है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इतना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा जो है ना, ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ठीक। नेक्स्ट जो है ना इसकी यूनिट लिखना है वोल्ट में आएगा या जूल में आएगा तो जो भी ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो एक और केस इसमें हम बढ़ा देते हैं फोर्थ केस एट द सेंटर ठीक है, इसमें हम चार केसेस में निकाल लेते हैं एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जब स्फीयर के सेंटर की बात हो रही है तो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी की डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे थे सेंटर से, तो सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी अगर वो सेंटर पर आ गया तो, जो एक्स है वो सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एट द सेंटर एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक्स कितने बराबर हो जाएगा जीरो हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंटर पर एक्स की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सेंटर पर जीरो होता है और होलो में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कहीं पर भी जीरो रहेगा है ना। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो एंट है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं v इज इक्वल टू 1/4πε0q/2r³3r² - x² ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो सेंटर की बात हो रही है x पुट कर दो जीरो, x जीरो पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0q/2r³3r² ओके ना, x हो गया जीरो ओके। तब ये r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल ठीक है, क्या बचा बचा यहाँ पर v इज इक्वल टू ये है ना, अगर हम इसको अरेंज करें तो 3/2 ये 3/2 को हम आगे लिख दे रहे हैं 3/2 1/4πε0q/r है ना, ये आ गया हमारे पास ठीक है, ये 3/2 को आगे लिख दिया। तो ये देखो तो यहाँ पर जो 3/2 है 1/4πε0q/r ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है कहाँ पर सरफेस पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 1/4πε0q/r। तो क्या समझे हम यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस है ना, सेंटर पर जो है ये इसको सेंटर लिख दो आप सी से इंडिकेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर 3/2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा सॉलिड स्फीयर में कंडीशन अलग है। तो जैसे होलो में हमने क्या देखा था कि होलो में किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सॉलिड में क्या हो रहा है, सॉलिड में सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल है उससे 3/2 टाइम्स ज्यादा है ना, मतलब 3/2 टाइम्स ज्यादा है ना, अगर मतलब कितने टाइम ज्यादा 1.5 टाइम ज्यादा ठीक है, 3/2 मतलब 1.5 टाइम ज्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सॉलिड स्फीयर है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है ना। तो ये रहेगा हमारे पास ये मतलब Vc इज ग्रेटर देन Vs, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेंटर ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सरफेस ओके। चलिए तो ये रहा हमारे पास उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फिर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कितना, नोट कीजिए ओके। चलिए जो ना हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें मतलब फर्स्ट हम देख रहे हैं जो ईपी ग्राफ है ना, ईपी ग्राफ
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ग्राफ डिस्टेंस में ग्राफ बताना है ना। तो सेम यहाँ पर जो हमने एक कंडक्टर शो कर दिया है, ये हमारा ठीक है वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने एक वैल्यू यहाँ ले ली 1/4πε0qr है ना। फिर इधर ले ली तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, ठीक है डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर बता दिया। अब ग्राफ जो कैसे चलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। ये हम स्फीयर को भी शो कर रहे हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा सा और विजुलाइज हो जाए हमें। ये हो गया उसका सरफेस है ना, सरफेस तक यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, ओके। ये तो अब ग्राफ तो कैसे चलेगा यहाँ पर देखना है ना। जब हम सेंटर पर होंगे है ना, सेंटर पर होंगे सॉलिड स्फीयर में, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, जीरो। ये जीरो यहाँ आएगा, यहाँ से शुरुआत होगी। फिर जैसे जैसे जो हम सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ेगी, सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ेगी तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। तो अगर हम सेंटर से है ना किधर की ओर बढ़ रहे हैं, सरफेस की ओर, तो एक्स बढ़ता चलेगा, एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि हम सरफेस पर नहीं पहुंच जाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज होता चलेगा, ऐसा ग्राफ हमारा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। तो सरफेस पे पहुंचने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0qr। फिर इसके बाद हम सरफेस से बाहर निकलते हैं, तो सरफेस आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस स्क्वायर के। तो फिर इधर ग्राफ ऐसा आएगा, ये e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² और ये e प्रोपोर्शनल टू x। मतलब क्या समझे हम, कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं तो सेंटर से शुरू करने पर, सेंटर से स्टार्ट करते हुए सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, फिर सरफेस से बाहर निकले कंडक्टर स्फीयर से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चलेगा, है ना। इंक्रीज होने की रेट कम होगी, डिक्रीज होने की रेट ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए तो ये हुआ ग्राफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। अब देखना तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हम यहाँ स्फीयर को शो कर रहे हैं, है ना। ये सेम स्फीयर का सेंटर, ये सरफेस और यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल होगी, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक वैल्यू हमने यहाँ शो कर दी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक वैल्यू हम यहाँ शो कर देते हैं, है ना। ये V इज इक्वल टू 3/2 1/4πε0qr, ठीक है ना। ये कौन सी वैल्यू ले ली हमने, उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू यहाँ ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो है ना, इधर y एक्सिस पर डिस्टेंस हमने इंडिकेट कर दी, ओके। अब देखिए तो ग्राफ कैसे चलेगा, ठीक है। जब हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं, सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंटर से है ना, इसमें एक और वैल्यू दिखा देते हैं, तो दो वैल्यू दिखा देते हैं, 1/4πε0qr, दो वैल्यू दे दी पोटेंशियल की, 1/4πε0qr और ये 3/2, ओके। चलिए तो अब हम सेंटर पर है, सेंटर पर होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये 3/2 एट द सरफेस, है ना, सरफेस पे इतना ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर हम सेंटर से सरफेस पर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ चलेगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऐसे नीचे ग्राफ आएगा, है ना, और डिक्रीज होता चलेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल एट द सरफेस, जब सरफेस पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो हम सरफेस से बाहर निकल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, सॉरी आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। तो फिर यहाँ से ग्राफ ऐसा जाएगा, तो है ना, मतलब ये रहेगा हमारे पास जो पोटेंशियल, और ठीक है ना, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा, सरफेस की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा, कितना रहेगा तो हम कहेंगे
सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स ज्यादा या 1.5 टाइम्स ज्यादा है ना, सेंटर पर जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसे 1.5 टाइम्स ज्यादा या 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा। फिर उससे दो किधर की ओर आएगा सरफेस पे, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चलेगा, सरफेस पर आएगा पोटेंशियल इतना होगा तो ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल और डिक्रीज होता हुआ चलेगा, है ना। तो ये रहेगा आपका ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ओके चलिए ना, इसको भी नोट कर लीजिए ना, उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नोट कर।